गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम मधुर से पढ़ेंगे, ठीक है। पाठ आठ है और पाठ का नाम है आम और डाली। आम और डाली, ठीक है। आम के बारे में देखो, आम का मौसम है अभी, तो आप लोगों ने आम खुद खाया होगा ना, खा रहे हो गया। अभी भी आम है बाजार में, मार्केट में, तो कितने प्रकार के आम खाए होगा आपको, है ना। कोई कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी लंबा, कभी गोल, है ना, अलग अलग प्रकार के आम खा चुके होंगे, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा समझाना नहीं है पाठ, इसको आप ध्यान से सुनिए और साथ में बात इसको रीडिंग भी कीजिए, ठीक है। तो आम के बारे में, आम और गालिब। गालिब कौन है? गालिब एक शायर थे, ठीक है, जो शायरी करते थे और विश्व प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, ठीक है। तो उनको आम बहुत पसंद था। तो अब हम और किस तरह से क्या क्या खाते थे, कौन कौन उनको आम मिलता था, इसकी कहानी है, ठीक है। गालिब के बहुत से चाहने वालों को भी शायद यह बात पता नहीं कि इस महान उर्दू शायर को आम बहुत पसंद है। मिर्जा गालिब आमों के कितने शौकीन थे, शौकीन मतलब उनको शौक था खाने का ना। इसका पता चलता है हमें उन 63 चिट्ठियों से जो गालिब ने अपने मित्रों को भिन्न प्रकार के आमों का उल्लेख करते हुए लिखी थी। आमों के बारे में बताया था, जिनको चिट्ठी लिखी थी उनमें आमों के बारे में मिर्जा गालिब ने बताया था अपने मित्रों को। यूं तो सभी बड़े चाव से आम खाते हैं ना, अच्छा लगता है ना, तो आम ही खा रहे होंगे आम के अलावा और कुछ नहीं, है ना, बड़े चाव से आम खाते हैं। परंतु जो दीवानापन गालिब ने आमों के प्रति था, दीवानापन पागलपन है ना, आम खाना, अरे देखो तो आम ले लो, है ना, छीन के खाओ, मांग के खाओ, कैसे खाओ, उनको कोई मतलब नहीं था, आम मिलना चाहिए। वह बिल्ली ही देखने को मिलता है, बिल्ली मतलब कम ही देखने को मिलता है जिस तरह से गालिब आम खाते थे। आम पर उन्होंने शायरी भी की है, यही नहीं, शायरी मतलब कविता करना, यही नहीं, गालिब के बारे में मशहूर था कि प्रत्येक वर्ष आमों के मौसम में उनकी गली कासिम जान, उनकी गली का नाम है, ठीक है, कासिम जान पुरानी दिल्ली वाली हवेली में बड़ा जोरदार मुशायरा भी हुआ करता था। मुशायरा मतलब कवि सम्मेलन, जैसे कवि सम्मेलन होता है ना, वैसे यहाँ पर सम्मेलन होता था, यहाँ पर मुशायरा हुआ करता था, जिसमें सभी संप्रदाय धर्म के लोग, छोटे बड़े जो भी हो, ठीक है, कोई यहाँ पर हीन भावना नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, सभी संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गालिब के आमों के चाव के बारे में कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों के सर्वाधिक आम खाए थे। भारत में आम की लगभग 4000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां पाई जाती हैं? 4000 जातियां। गालिब की शायरी की तरह उनके पसंदीदा आमों के नाम भी उनकी गजलों की ही तरह रंगीन है। गालिब ने जिन आमों को पेट भर खाया था उनमें से 27 के नाम इस प्रकार है, 27 प्रकार के आम खाए थे जो नाम यहाँ पर दिया गया है। देखो, सुनो ध्यान से, मालदा, फजली, चौसा, जर्द, आलू, जहांगीर, रहमत ए खास, दशहरी, सलोनी, अजीज पसंद, महमूद समर, सुल्तान समर, बम्बई ग्रीन, सफेदा, मलियाबादी, दिल पसंद, हुस्न आला, नाजुक पसंद, किशन भोग, नीलम, खुदादाद, तोतापरी, निसाती, जाफरानी, सिंदूरी, कच्चा मीठा, बारामासी, लंगड़ा, अल्फांसो, फख्र, समर, बहिश्त आदि। देखो, सब आमों के नाम है, इसको आप लोग एक बार देख लेना, बहुत सारे आप लोग भी खाए होंगे ना, चौसा खाए होंगे, अल्फांसो खाए होंगे, है ना, लंगड़ा आम खाए होंगे, है कि नहीं। आगे सुनिए, वैसे जहाँ तक फलों का राजा कौन है, आम है, आपको पता ही है। वैसे जहाँ तक फलों के संस्था आम का संबंध है, इस रसीले फल की प्रशंसा फहायान और वेनसांग जैसे विदेशी इतिहासकारों ने भी की है। वेनसांग के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, है ना, वेनसांग और फहायान ये भी यात्री थे जो चाइना, जो चीन से आए थे, ठीक है, जैसे विदेशी इतिहासकारों ने भी किए, इतिहासकार ही है ये लोग इतिहास के बारे में, जिन्होंने उस समय के बारे में लिखा था, ठीक है। हजरत अमीर खुसरो ने आम को फख्र ए गुलशन कहा है। इसकी विशेषता यह है कि न केवल अन्य फलों के मुकाबले इसे काट कर खाने में अधिक मजा आता है, बल्कि इसे कच्चा खाने या चूस कर खाने का लुत्फ भी कुछ और।
और ये लुत्फ, लुत्फ मतलब मजा, आनंद, ठीक है। जूस को खाने में जो मजा है वो कार को खाने में नहीं है, यही कहना चाहते हैं। आम के ऊपर प्रसिद्ध कवियों नजीर, अकबर, अकबराबादी और इकबाल ने भी बहुत कुछ लिखा है। वैसे गालिब के मित्र सभी जगत है और उनके द्वारा गालिब को बढ़िया आम समय समय पर भेजे जाते थे। जो भी मित्र थे जहाँ भी आम मिलता था गालिब को आम भेजते थे, ठीक है। आमों के आग्रह के लिए गालिब एक एक मित्र को 15-20 चिट्ठियां लिखा करते थे। आम मंगाने के लिए अपने दोस्तों को वो चिट्ठी लिखा करते थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 15-20। इसका नतीजा यह होता था कि तरह तरह के आम गालिब को खाने को मिल जाते। सब लोग जिसको भी चिट्ठी लिखती सब लोग उनको आम भेज देते थे। स्वयं गालिब द्वारा रचित पुस्तक उर्दू ए मुअल्ला में गालिब का एक पत्र आमों के संबंध में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आम मुझको बहुत पसंद है। रामपुर से नवाब ने लगड़ा आमों की पेटी भेजी है। हाँ, बरेली से भी एक दोस्त ने रसी ले सलोली आमों की टोकरी भेजी है, बल्कि दो टोकरियां हैं, हर टोकरी में 100 आम। कल्लू दारोगा ने मेरे सामने वे टोकरियां खोली, 200 में से 83 आम निकले, बाकी सड़ गए, है ना। पेटी में आता है बंद होकर के तो सड़ना ही है। हम भी खरीद कर आते हैं तो कभी कभी एक दो आम सड़े हुए मिलते हैं, है कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं ना। आगे सुनो, एक बार बहादुर शाह जफर सुल्तान थे, आखिरी मुगल सुल्तान थे, इधर आपको पता ही होगा। एक बार बहादुर शाह जफर आमों के मौसम में कुछ दरबारियों के साथ महताब बाग घूम रहे थे। मिर्जा गालिब के साथ थे। यहाँ के रसीले आम केवल बादशाह की बेगमात के लिए ही थे, बादशाह के बेगम के लिए ही उस बगीचे के आम को तोड़ा जाता था, मतलब उनके लिए था, बाकी लोगों के लिए नहीं था। अन्य कोई व्यक्ति इनकी और निगाह भी नहीं उठा सकता था। गालिब बार बार आमों को देखते, बादशाह बहादुर शाह जफर ने यह बात ताड़ ली। ताड़ ली मतलब उनको, उन्होंने बस उस बात को नोट कर लिया कि गालिब जो है वो बार बार आम के पेड़ की ओर आमों को ताक रहे, जो आम बेगम के लिए होता था। बोले, मिर्जा इस कदर ध्यान से क्या देखते हो? गालिब बोले, हुजूर आम आम पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। कहते आम आम पर है ना, कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो ये क्या कह रहे हैं, आम आम पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं यह पता लगा रहा हूँ कि किस किस आम पर मेरा नाम लिखा। कहते हैं ठीक है, भागवत कह रहे हैं कि मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आम है, जो पेड़ में आम लगे हुए उनमें से किन किन आमों पर मेरा नाम लिखा हुआ है। बादशाह गालिब की हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि अगले ही रोज महताब बाग के आमों के दो टोकरे भिजवा दिए। उनसे इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए उनकी हाजिर जवाबी से कि उन्होंने गालिब की इच्छा को भी समझ लिया था, इसलिए उन्होंने दो टोकरा आम जो है गालिब के लिए भिजवा दिया। पड़ोस में ही रहने वाले गालिब के मित्र हकीम रजीउद्दीन खान को आम एक आंख नहीं भाते थे, मतलब ये जो रजीउद्दीन खान इनके मित्र, इनको आम पसंद नहीं था। देखो ये क्या करते हैं, एक दिन वे गालिब की गली कासिम जान दिल्ली स्थित हवेली के बरामदे में बैठे थे। गालिब ने उसी समय आमों के छिलके दरवाजे के बाहर कोने में बने कूड़ेदान में डाले थे। तभी वहां से गधे वाला कुछ गधे लिए निकला। एक गधे के आम के छिलके सूंघे और छोड़ कर आगे बढ़ गया। हकीम साहब मिर्जा से बोले, देखिए आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता, क्योंकि उनको आम नहीं पसंद था तो सोचते हैं कि गधे को, मतलब उनको चिढ़ाने के लिए ना, इसको गालिब को चिढ़ा रहे हैं कि गधे को भी आम पसंद नहीं है। गालिब ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए तुरंत उत्तर दिया, बेशक गधे आम नहीं खाते, हाँ पता ही है गधे तो आम नहीं खाते हैं। ऐसे ही एक रोज गालिब के घर आमों की दावत चल रही थी। नाना प्रकार के आम, नाना प्रकार के बहुत प्रकार के नाना प्रकार के आम रखे हुए थे। गालिब के दोस्त और सागिर, सागिर मतलब चेले होते हैं उनके, सागिर विद्यार्थी होते हैं ठीक है। गालिब के दोस्त और सागिर मजे ले लेकर आम उड़ा रहे थे, मतलब आम खा रहे थे। उनके पास बैठे उनके दोस्त नवाब मुस्तफा खान, सेफ्ता नाम से है, सेफ्ता आम पर आम उड़ा रहे थे, आम पर आम उड़ा रहे थे। एक आम खाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आम पर आम खाए जा रहे थे। लेकिन उनके आगे छिलके और गुठलियां बिल्कुल नहीं थी। आम को खा रहे थे लेकिन आम खा के रखते हैं ना, अपने सामने रखते हैं, तो सामने उन्होंने अपने सामने आम की गुठली और छिलका नहीं रखा। रखा तो कहाँ रखा, देखो वे आम खाकर गुठलियां और छिलके गालिब के आगे रखते थे, अपने आगे नहीं रख करके वो गालिब के आगे छिलके और गुठलियां रखते जा रहे थे।
से बोले, अम्मा मिर्जा साहब लगता है आपने सभी के हिस्से के आम खा लिए, इतना ज्यादा आम खा लिया, आप उसको चिढ़ा रहे हैं कि लगता है आपने सारे आम खा लिए, बाकी उनके लिए तो नहीं है। इस पर मिर्जा गालिब ने जवाब दिया, नवाब साहब चलिए मैं तो आम ही खा रहा हूँ, है ना, मैं तो आम ही खा रहा हूँ, आप तो आमों के साथ गुठलियां और छिलके भी नहीं छोड़ रहे हैं, देखो कटाक्ष है ना, आम खा रहे तो क्या गुठलियां छिलके तो नहीं खाते, आम का जो गुदा होता है वही खाते हैं, कह रहे मैं तो आम खा रहा हूँ, आप तो आम के साथ साथ गुठलियां और छिलके सब खा रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों ने परास्त कर दिया। इस पर सभी जोरदार ठहाका लगाया, सभी ने सभी हंस पड़े उस बातों को सुनकर। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव का अंतिम दिन, जब बहुत बुजुर्ग बहुत बूढ़े हो गए थे, अंतिम पड़ाव में गालिब ने अपने घनिष्ठ मित्र चौधरी अब्दुल गफूर के नाम एक पत्र में आमों के बारे में लिखा है, जिसमें यह भी पता चलता है कि गालिब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मतलब वो बीमार रहने लगे थे। गिरती पाचन शक्ति, जब इंसान बुरा हो जाता है ना, बुजुर्ग हो जाते हैं तो पाचन शक्ति हमने भी पाचन शक्ति में भी कमजोरी आती है, ठीक है, पाचन शक्ति के बारे में गालिब लिखते हैं, जवानी में तो दिल भी था और ताकत भी थी, मरहूम स्वर्गीय शेख मोहसिनुद्दीन हर वर्ष ननौता सहारनपुर है, ननौता बुलाते थे उनको, सहारनपुर बुलाया जाता था गालिब को, ठीक है, और बाग में बैठ कर घंटों मीठी आम खाते थे, शेख साहब वही बल्ले के पास चारपाई बिछा देते और बाल्टियों में रसीले आम ठंडे पानी में पड़े रहते, मतलब हैंडपम्प जहाँ होता है, ठीक है, वहाँ बैठ करके आम बाल्टी में रखते और पानी में डुबोते, ठीक है, पानी क्योंकि आम को ठंडा करके खाना होता है, पता है ना आप लोगों को। अब वह दिल कहाँ से लाओ, वह ताकत कहाँ से लाओ, ना आमों से लगा और न ही पेट में इतने आमों के लिए जगा, पहले तो नाश्ते से पूर्व ही ढेर सारे आम खा लिया करता था, मगर अब तो रात को भी नहीं खाए जाते, हाजमे पाचन क्रिया पर भारी पड़ते हैं, अब तो दिन में मात्र 10-12 ही खा पाता हूँ, फिर भी 10-12 आम खा रहे हैं, सोचो जवानी में जब जवान थे कितना आम खाते थे। एक बार जब बादशाह जफर के वली ए अहद यानी कि बेटे, बादशाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू ने आमों का टोकरा गालिब को भिजवाया तो उनकी उसकी प्रशंसा में इस विश्वविख्यात शायर ने एक मसनवी बहुत बड़ी कविता लिख डाली, जिसका अर्थ है ईश्वर इस मेहरबान व्यक्ति को मुगल सल्तनत के वारिश और अफसर को सदा प्रसन्न रखना, क्या कहा इसमें उन्होंने, ईश्वर से ही कहा था इस मेहरबान व्यक्ति को जिसने उनके लिए आम आया, मुगल सल्तनत के वारिश, मुगल सल्तनत के वारिश थे और अफसर को सदा प्रसन्न रखना यानी कि खुश रखना और गालिब पर उसकी मेहरबानियां भी बनाए रखना। काजी अब्दुल जलील को मिर्जा साहब लिखते हैं, इस साल आम हर जगह कम है, जो आम है भी वे खुश्क और बेमजा है, खुश्क सूखा सूखा और उसमें आमों में कोई मजा नहीं है, जब उन्होंने अंत में चिट्ठी लिखा था उस समय की बात है, आम खाए भी तो कहाँ से, ना बौर आए हैं ना बरसात हुई, कुएं भी सूख गए हैं, तरावट कहाँ से आई, तरावट मतलब गीला पड़ा, अगर आपके बाग में अच्छे दशहरी आम हो तो जरूर एक टोकरी भिजवा दें, नहीं तो जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले साल ही दशहरी खा पाऊंगा, अगर मैं बच गया, ठीक है, इस स्वास्थ्य में अगर मैं बच गया तो अगले साल ही मैं दशहरी आम खा पाऊंगा या अच्छे अच्छे आम खा पाऊंगा। तो यह शौक था मिर्जा गालिब का, मांग कर खाने में भी गुरेज ना करते थे, नहीं सर पाते थे, मांग कर भी खाते थे, ठीक है, मंगवाते थे, मांग कर खाते, उनको कोई संतोष कोई लाज नहीं रहती थी। आज भी हर साल आमों के मौसम में दिल्ली की गालिब अकादमी द्वारा गालिब की याद में बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्थित उनकी मजार पर आमों की दावत का आयोजन किया जाता है, उनकी मजार मतलब जहाँ पर उनको दफनाया गया था, ठीक है, वहाँ पर आज भी आमों की दावत का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आमों के बारे में है, आम के आम खाने के शौकीन थे मिर्जा गालिब, ठीक है, आम प्रेमी थे तो आम सबको अच्छा लगता है, इसीलिए फलों का राजा कहलाता है आम, ठीक है। तो आप सुनिए, आप देखिए इसमें कठिन शब्द ज्यादा कुछ नहीं है, आसानी है, फिर मैंने आपको कुछ शब्द लिखे शौचालय का आप करेंगे, देखिए मशहूर संप्रदाय पसंदीदा चिट्ठियां गुठलियां स्वास्थ्य खुश्क जाफरानी मिर्जा निजामुद्दीन विख्यात मुअल्ला लुत्फ सागर, ये आपकी पुस्तक में दिया है, ठीक है, उसमें से कठिन शब्द आपको याद करना है, उसका श्रुतिलेख होगा यानी कि डिक्टेशन होगा, ठीक है। देखिए माइंड मैप में क्या दिया है, किसके बारे में है, महान उर्दू शायर गालिब के आमों के शौक के बारे में है, कैसे पता चला, उन 63 चिट्ठियों से जो उन्होंने अपने मित्रों को लिखी, जिन
गाजी अब्दुल जबीर। आम के शौकीन कौन कौन थे? फहयान, वेंसान, हजरत अमीर खुसरो, नजीर अकबर, अकबराबादी, नजीर अकबराबादी, ठीक है, इकबाल, बहादुर शाह जफर, नवाब मुस्तफा खान। इस शौक को सम्मान कैसे दिया जाता है? हर साल गाली अकादमी द्वारा बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्थित उनकी मजार पर आमों की दावत दी जाती है। ठीक है, कुछ समझ में आया? आया ही होगा, ठीक है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपको रीडिंग जरूर करना है, बिना रीडिंग किए हिंदी में समझाना ही काफी नहीं होता, आपको रीडिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जो भी आपको काम दिया जाएगा इसमें जो भी कुछ है आप करेंगे। तो आम के प्रकार, आमों के नाम हो सके 10 आमों के नाम लिख के रख लेना। फिर आम के पौष्टिक गुण क्या क्या, ये आपको मैं लिख के नहीं दे रही हूँ, बस कह रही हूँ कि आम कितने, कम से कम 10 प्रकार दिया तो यहाँ पर है ही, कितने प्रकार, कितने प्रकार के आम आपने खाया है उसका नाम लिखना। और आम से हमें पोषक तत्व क्या क्या मिलता है ये भी आपको अपने आप ही करना है। ठीक है, पाठ में ज्यादा कुछ नहीं है, अब मैं इस पाठ में यहीं पर समाप्त करती हूँ। लेकिन जो मैंने 2 प्रश्न आपको दिया है उसको लिखना है, नहीं तो मुझे बताना है। ठीक है।